तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पावर के बारे में। पावर क्या होता है? पावर बेसिकली, अगर एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है पावर का, पावर का मतलब ये होता है कितना काम किया जा रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में कितना काम किया जा रहा है। अगर एक पर्टिकुलर टाइम में ज़्यादा ज़्यादा काम किया जा रहा है तो पावर ज़्यादा है। अगर एक पर्टिकुलर टाइम में कम से कम काम किया जा रहा है तो पावर कम है। तो अभी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एक एग्जाम्पल, जिसकी हेल्प से हमें समझ में आ जाएगा पावर का कंसेप्ट एकदम ईजीली। तो कंसिडर कर लेते हैं पर्सन एक्स और ये है पर्सन वाई। और ये जो पर्सन एक्स और जो पर्सन वाई है, पहला कंसिडर कर लेते हैं पर्सन एक्स एक्स को। ये जो पर्सन एक्स है, ये ऑब्जेक्ट को लगा रहा है फोर्स, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट का होगा डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे जो टाइम दिया गया है वो है 4 मिनट का। यहाँ पर भी 4 मिनट, और यहाँ पर मतलब ये पर्सन एक्स और पर्सन वाई दोनों को दिया गया है 4 मिनट। और दोनों को ये जो ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए से पॉइंट डी की तरफ लेके जाना है। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है डिस्प्लेस करना है ये ऑब्जेक्ट को। अभी हम लोग देखेंगे कि कौन सा पर्सन ज़्यादा डिस्प्लेस करता है। अगर जो भी पर्सन अगर ज़्यादा डिस्प्लेस करेगा तो उसका पावर ज़्यादा होगा। जो भी पर्सन अगर कम डिस्प्लेस करेगा एक गिवन टाइम में, तो उसका जो पावर होगा वो होगा कम। तो कंसिडर कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग पर्सन एक्स। पर्सन एक्स ने ये ऑब्जेक्ट पे लगाया फोर्स, फोर्स की वजह से क्रिएट हुआ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वजह से क्रिएट हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो कंसिडर कर लेते हैं ये पर्सन एक्स ने फोर्स लगाया, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आया। और जो लगा टाइम लगा जो 1 मिनट, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ एस। सिमिलरली पॉइंट बी से पॉइंट सी पे लेके गया पर्सन ने ये ऑब्जेक्ट को, और टाइम लगा 1 मिनट, डिस्प्लेसमेंट सेम हुआ एस। पॉइंट सी से पॉइंट डी की तरफ लेके गया ये पर्सन ने ऑब्जेक्ट को, जिसके वजह से जो टाइम लगा वो लगा 1 मिनट। तो अगर हम लोग देखें ये जो पर्सन है, हर एक मिनट में जो डिस्प्लेसमेंट जो कवर कर रहा है वो सेम कवर कर रहा है। और जो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ पॉइंट ए से पॉइंट डी तक के, वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो है S1। तो अगर हम लोग देखें ये जो पर्सन एक्स है, उसने 4 मिनट में इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। मतलब ये जो पर्सन एक्स है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, उसने मतलब जो काम किया वो है S1। और जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, जैसे कि हमें मालूम है जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है उतना ज़्यादा वर्क डन होता है, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये पर्सन ने जो डिस्प्लेसमेंट जो किया है वो है S1 पर्सन एक्स ने। सिमिलरली अगर हम लोग पर्सन और जो ये पर्सन एक्स ने जो टाइम कंज्यूम किया, मतलब इसने जो टाइम लिया हर एक डिस्प्लेसमेंट के लिए, उसने लिया 1 मिनट। सिमिलरली कंसिडर कर लेते हैं पर्सन वाई। पर्सन वाई ने ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, और जो टाइम लगा वो लगा 2 मिनट। पॉइंट बी से पॉइंट सी तक, और जो टाइम लगा वो लगा 2 मिनट। तो अगर ये पर्सन वाई का अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखें, तो ये पर्सन वाई का जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये पर्सन वाई ने जितना ऑब्जेक्ट को जो डिस्प्लेस किया है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है S2। तो यहाँ पर जो पर्सन वाई का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है S2, और जो पर्सन एक्स का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है S1। और पर्सन वाई ने जितना जो टाइम लिया, मतलब पर्सन वाई ने ये ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए 2 मिनट लिया, और सेम पर्सन एक्स ने ये ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए 1 मिनट लिया। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है? तो इसने ये पर्सन एक्स ने 1 मिनट लिया ये ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए और इसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हुआ, और ये पर्सन वाई ने 2 मिनट लिया और इसका डिस्प्लेसमेंट कम हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका बेसिकली मतलब ये है कि जो पर्सन एक्स का जो पावर है वह है ज़्यादा, और पर्सन वाई की जो पावर है वह है कम। क्योंकि जो पर्सन एक्स ने कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट किया, कम से कम टाइम में, जैसे कि हमें मालूम है जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा वर्क डन, जितना कम डिस्प्लेसमेंट उतना कम वर्क डन। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये पर्सन एक्स को कंसिडर करें, तो पर्सन एक्स ने 3 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर किया, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम किया। और जो पर्सन वाई है उसने 4 मिनट में कम से कम डिस्प्लेसमेंट कवर किया, और उसने कम से कम काम किया। तो यहाँ पर जो पर्सन एक्स है उसकी जो पावर है वो है ज़्यादा, और ये जो पर्सन वाई है इसकी जो पावर है वो है कम। मतलब पर्सन एक्स की जो काम करने की जो एबिलिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा है, मतलब पर्सन एक्स कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकता है, और जो पर्सन वाई है वो कम टाइम में, मतलब एक गिवन टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम नहीं कर सकता है, क्योंकि इसकी जो वर्क डन एबिलिटी वो कम है ये एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। तो बेसिकली जो पावर होता है वही होता है। पावर का मतलब कितना काम किया जा रहा है विथ रेस्पेक्ट टू गिवन टाइम। अगर गिवन टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जा रहा है तो वर्क डन ज़्यादा होगा, अगर गिवन टाइम में अगर कम से कम काम किया जा रहा है तो जो वर्क डन होगा वो होगा कम। अगर वर्क डन ज़्यादा होता है तो पावर ज़्यादा होता है, अगर वर्क डन कम होता है तो पावर कम होता है। बेसिकली अगर हम लोग देखें, अगर डिटेल में देखें, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा तो वर्क डन ज़्यादा होगा, वर्क डन ज़्यादा होगा तो पावर ज़्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो वर्क डन कम होगा, वर्क डन कम होगा तो पावर कम होगा।
जैसे हम लोग देख सकते हैं पर्सन एक्स का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है ज़्यादा, और पर्सन जो वाई का जो डिस्प्लेसमेंट है मतलब पर्सन एक्स ने जितना ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया है वो ज़्यादा है, और जो पर्सन वाई ने जो ऑब्जेक्ट को जो डिस्प्लेस किया है वो है कम। तो यहाँ पर जो S1 डिस्प्लेसमेंट है वो S2 से ज़्यादा है। तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा मतलब वर्क डन ज़्यादा, डिस्प्लेसमेंट कम मतलब वर्क डन कम। एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं ये है रनर, ये जो रनर है ये इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं रनर एक्स, और इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं रनर वाई। ये जो रनर है ये 4 मिनट में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक के आया। सिमिलरली ये जो रनर है रनर वाई ये पॉइंट सेम 4 मिनट में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आया। अगर हम लोग रनर एक्स का अगर डिस्प्लेसमेंट देखें उसने 4 मिनट में ज़्यादा आधा डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, और जो रनर वाई है उसने 4 मिनट में कम से कम डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। डिस्प्लेसमेंट कम मतलब वर्क डन कम, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा मतलब वर्क डन ज़्यादा, मतलब ये जो पर्सन जो एक्स है उसने ज़्यादा काम किया, मतलब उसने अपनी ज़्यादा एनर्जी यूज़ किया, उसने ज़्यादा वर्क किया है रनिंग के लिए, और ये जो पर्सन वाई है उसने कम वर्क किया है रनिंग के लिए, और इसने 4 मिनट में कम से कम डिस्प्लेसमेंट कवर किया, और पर्सन एक्स ने 4 मिनट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो यहाँ पर जो पर्सन एक्स है उसका जो पावर है वो है ज़्यादा, और यहाँ पर जो पर्सन वाई है उसका जो पावर है वो है कम, क्योंकि पर्सन वाई का डिस्प्लेसमेंट कम है और जो पर्सन एक्स है उसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, मतलब जो पर्सन एक्स है उसने ज़्यादा काम किया है रनिंग के लिए, और ये जो पर्सन वाई है उसने कम काम किया है रन करने के लिए। अभी यहाँ पे एक अगर हम लोग देखें ये जो पर्सन एक्स है इसका जो पावर होगा वो हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब जैसे कि हर एक पॉइंट पर, या फिर अगर कंसीडर कर लेते हैं 4 मिनट तक के अगर ये रन कर रहा है तो 1 मिनट या फिर 2 मिनट के बाद इसका जो पावर होगा या फिर जो इसका जो एक्सेलरेशन होगा हर एक पॉइंट पर वो बराबर नहीं होगा। एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट नहीं होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा इसका मतलब जो इस जो काम करेगा वो मतलब कांस्टेंट नहीं होगा, इसका बेसिकली मतलब होगा इसका जो पावर होगा हर एक पॉइंट पर वो कांस्टेंट नहीं होगा। जैसे कि 4 मिनट तक के ये जो पर्सन है वो कंटिन्यूसली सेम पावर तक के नहीं रन कर सकता है, 2 मिनट के बाद इसकी एनर्जी लूज़ होगी, एनर्जी डिक्रीज होने की वजह से इसकी जो स्पीड होगी वो कम होगी। सिमिलरली जब ये स्टार्टिंग में जब ये रन करेगा तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होने के वजह से इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा होगी इसका मतलब इसका पावर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे इन शॉर्ट जो पावर होगा हर एक पॉइंट पर वो कांस्टेंट नहीं होगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक के जितना भी जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हर एक पॉइंट के बीच में जो पावर होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। इनिशियली पर्सन एक्स का पावर ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा एनर्जी होगी, उसके बाद जैसे ही ज़्यादा ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा पर्सन एक्स का जो पावर होगा वो डिक्रीज़ करते जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट को कंसिडर करते हुए यहाँ पर आ जाता है कंसेप्ट इंस्टेंटेनियस पावर का। अभी इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला जो पावर है वो कांस्टेंट नहीं रहने वाली है, तो यहाँ पर हम लोग सेम एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। पावर कांस्टेंट नहीं रहेंगी इसलिए यहाँ पर इंस्टेंटेनियस पावर का कॉन्सेप्ट आता है, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर पावर का कितना मैग्नीट्यूड होगा उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर। यहाँ पे मैंने वही सिंपल कंसिडर किया हूँ, अगर एक्सेलरेशन अगर कम होता है, एक्सेलरेशन कम होगा तो फोर्स कम होगा, अगर एक्सेलरेशन कम होता है जैसे कि जो पर्सन एक्स है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका एक्सेलरेशन कम होगा जिसके वजह से उसका उस पर मतलब जो रनिंग के लिए जो फोर्स लगा रहा रहेगा वो कम होगा, जिसके वजह से जिसका बेसिकली मतलब ये होगा वर्क डन कम होगा, सिमिलरली पावर कम होगी। सिमिलरली अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा होगी, फोर्स ज़्यादा होगा तो वर्क डन ज़्यादा होगा, फोर्स ज़्यादा होगा तो पहला डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा तो वर्क डन ज़्यादा होगा, वर्क डन ज़्यादा होगा तो पावर ज़्यादा होगा। इसको भी हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं इंस्टेंटेनियस पावर का, क्योंकि जो पावर होता है वो हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट नहीं हो सकता, इनिशियली पावर हाई है तो थोड़े देर के बाद विद रेस्पेक्ट टू सम टाइम पावर में कुछ होगा डिक्रीमेंट। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, सेम हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, एक पर्सन है जो कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस पर लगा रहा है फोर्स, और अगर हम लोग देखें फोर्स के वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हर एक पॉइंट के बीच में वो सेम नहीं है, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है एस, और पॉइंट बी से पॉइंट सी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है S1 जो कि ज़्यादा है, सी से डी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है S2 जो कि कम है, और जो टाइम है वो सेम लग रहा है, जो टाइम है वो हम लोग यहाँ पर कॉन्स्टेंट कंसिडर कर रहे हैं 1 मिनट। तो इसका मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट कम है, इसका मतलब वर्क डन कम है, वर्क डन ज़्यादा है, मतलब ए से बी के बीच में क्या गया वर्क डन कम है, बी से सी के बीच में क्या हो गया वर्क डन ज़्यादा है, सी से डी के बीच में क्या हो गया वर्क डन कम है। अगर वर्क डन कम है तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, वर्क डन कम है इसका मतलब
जो पावर है वो कम है, पावर कम है इसका मतलब जो फोर्स लगेगा वो कम लगेगा, एक्सेलरेशन कम होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा, तभी इसको हम लोग समझेंगे। इन शॉर्ट आपको याद रखना है, अगर डिस्प्लेसमेंट कम है तो इसका मतलब काम कम किया गया है, वर्क डन कम किया गया है, वर्क डन कम किया गया है मतलब पावर कम है, क्योंकि जो पावर है इज इक्वल पावर कितना काम किया गया विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर ज़्यादा काम किया गया है तो पावर ज़्यादा होगा, कम काम किया गया है तो पावर कम होगा। तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे, यहाँ पे जैसे ही हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो पावर है वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर कम है यहाँ पर ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर वर्क डन कम किया गया यहाँ पर वर्क डन ज़्यादा है। मे बी कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट होगा या फिर एक छोटा सा टाइम होगा जहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसमें वेरिएशन हुआ होगा, तो इसका मतलब जो पावर होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर पावर कांस्टेंट नहीं है, अगर पावर कांस्टेंट होता तो जो डिस्प्लेसमेंट होता हर एक पॉइंट पर वो सेम होता, मगर यहाँ पर पावर कांस्टेंट नहीं है, जिसका बेसिकली मतलब ये है कि वर्क डन बराबर नहीं है, वर्क डन नहीं है इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर नहीं है। तो हम लोग कंसिडर करेंगे एक छोटे से इंस्टेंट पर पावर का कितना मैग्नीट्यूड होगा, तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट पर लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये जो ए डैश और जो ए है इसके बीच में जो पावर है, इसके बीच में जो पावर है उसे हमें फाइंड आउट करना है। इंस्टेंटेनियस पावर मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पावर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम लोग कंसिडर करेंगे इंस्टेंटेनियस पावर। सो ए डैश और ए के बीच में जो इंस्टेंटेनियस पावर है उसे हमें फाइंड आउट करना है, और इंस्टेंटेनियस पावर हम लोग का कंसेप्ट तभी आता है क्योंकि जब भी पावर का मैग्नीट्यूड अगर सेम ना हो, अगर पावर का अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा तो हर एक इंस्टेंट पे पावर का जो अगर पावर अगर कांस्टेंट होगा तो हर एक पॉइंट पे जो पावर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा सेम, मगर अगर पावर कांस्टेंट नहीं है, इनिशियली अगर पावर ज़्यादा है बाद में अगर पावर रिड्यूस कर रहा है फिर इंक्रीज़ कर रहा है डिक्रीज़ कर रहा है, 1 सेकंड में ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है 1 सेकंड में कम ज़्यादा डिक्रीज़ कर रहा है, अगर ऐसा कुछ भी अगर वेरिएशन होता है पावर के कंसेप्ट में तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं इंस्टेंटेनियस पावर का कॉन्सेप्ट। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं जैसे कि यहाँ पर पावर कॉन्सटेंट नहीं है एग्जाम्पल में, तो हम लोग कंसिडर करेंगे ए डैश और ए के बीच में इंस्टेंटेनियस पावर कितनी होगी। तो कंसीडर कर लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, उसके लिए हमें कंसीडर करना होगा ऑब्जेक्ट पे फोर्स कितना लग रहा है और स्मॉल टाइम और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बस। तो हम लोग कंसीडर करेंगे ये है हमारा ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट पे लगा फोर्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है मगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये इनिशियली ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए पर, और थोड़ी देर के बाद एकदम इनफाइनाइटसिमल स्मॉल टाइम के बाद इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ए डैश से ए के तरफ होता है, जो ऑब्जेक्ट है वो ए से ए डैश से ए के तरफ मूव होता है। तो इस केस में हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजिशन चेंज किया ए डैश से ए के तरफ, तो इस केस में कंसिडर कर लेते हैं जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है डी एस वैक्टर, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो इन्फाइनाइटसिमल स्मॉल टाइम में हुआ, बहुत बहुत इन्फाइनाइटसिमल माइक्रो सेकेंड एकदम नैनो सेकेंड में हुआ, एकदम इन्फाइनाइटसिमल टाइम कंसिडर कर लेते हैं, और ये इन्फाइनाइटसिमल टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ डी एस वैक्टर। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें जो ऑब्जेक्ट है ए डैश से, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ए डैश से ए के तरफ डिस्प्लेस किया और वो जो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है इन्फाइनाइटसिमल स्मॉल है, उसके साथ जो टाइम एसोसिएटेड है वो भी इन्फाइनाइटसिमल स्मॉल है जो कि है डी टी। अभी अगर हम लोग वर्क डन का फॉर्मूला देखें, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट पे जो लग रहा है फोर्स वो है एफ जो कि है कांस्टेंट, और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो है डी एस, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू डी एस। तो इतने से डिस्प्लेसमेंट के लिए और कांस्टेंट फोर्स के लिए और इन्फाइनाइटसिमल टाइम के लिए जो वर्क डन होगा वो भी इन्फाइनाइटसिमल होगा, मतलब वो होगा डी डब्ल्यू। हमें ये सब मालूम है, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर छोटा से अगर हम लोग वर्क डन कंसिडर कर रहे हैं तो उसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी छोटा सा होगा, इन्फाइनाइटसिमल स्मॉल होगा, टाइम भी इन्फाइनाइटसिमल होगा। सो स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू डी एस वैक्टर, हियर यहाँ पर एफ वैक्टर रहेगा, एफ वैक्टर इंटू डी एस वैक्टर। जैसे कि हमें मालूम है जो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन ओवर टाइम, यहाँ पे हमें मिल गया वर्क डन के लिए फॉर इक्वेशन एफ वैक्टर इंटू डी एस वैक्टर ओवर डी टी, एफ वैक्टर इंटू डी एस डी टी को सेपरेट कर लेंगे, डी एस वैक्टर ओवर डी टी वैक्टर। अगर हम लोग यहाँ पर देखें रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। तो ये जो डी एस वैक्टर ओवर डी टी वेलोसिटी वैक्टर के बराबर में हो जाएंगे, इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू एफ वैक्टर इंटू वेलोसिटी वेक्टर। तो ये हमें मिल गया इंस्टेंटेनियस पावर के लिए इक्वेशन, किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए जो पावर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा एफ वेक्टर इंटू वी वेक्टर। अभी अगर हम लोग एसआई यूनिट के बारे में बात करें वर्क पावर की, यहाँ पे आपको एक बेसिक सी चीज़ याद रखना है, बेसिक सी चीज़ याद रखना है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पे क्या बताया था आपको,
अगर यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता है, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है इसका मतलब वर्क डन ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है इसका मतलब वर्क डन ज़्यादा है। तो अगर बेसिक से अगर हम लोग इनिशियली स्टार्ट करें, अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है, एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है तो इसका मतलब फोर्स ज़्यादा लग रहा है, एक्सेलरेशन ज़्यादा है फोर्स ज़्यादा लग रहा है। अगर फोर्स ज़्यादा लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा तो वर्क डन ज़्यादा होगा, वर्क डन ज़्यादा होगा तो पावर ज़्यादा होगा। अगर एक्सेलरेशन कम है तो इसका मतलब फोर्स कम लग रहा है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कम है फोर्स कम लग रहा है, एक्सेलरेशन रेट अगर कम होता है तो फोर्स कम होगा, फोर्स कम है तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा, डिस्प्लेसमेंट कम है तो वर्क डन कम होगा, वर्क डन कम है तो पावर कम होगा। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं पावर के एसआई यूनिट के बारे में। जो एसआई यूनिट होती है पावर की होती है, जैसे कि हमने पावर का फॉर्मूला वर्क डन ओवर टाइम, तो जो वर्क डन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है या तो जूल या तो न्यूटन। तो जो वर्क डन इज इक्वल टू जूल और टाइम के लिए पर सेकंड, तो जूल पर सेकंड जिसको हम लोग वाट भी कंसिडर करते हैं। और अगर हम लोग कंसिडर करें जो 746 वाट होता है वो 1 हॉर्स पावर के बराबर में होता है, और ये हॉर्स पावर एसआई यूनिट होती है। जब हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंसिडर करते हैं या फिर हम लोग जब भी कोई भी मैकेनिकल इक्विपमेंट कंसिडर करते हैं तो उसका जो आरपीएम होता है, सॉरी जो मैकेनिकल जो पावर होता है उसको हम लोग हॉर्स पावर में कंसिडर करते हैं, और जो इलेक्ट्रिकल पावर होता है उसको हम लोग वाट में कंसिडर करते हैं। मैकेनिकल पावर हमेशा आपको याद रखना होगा, हमेशा कंसिडर करना होगा, मैकेनिकल पावर हम लोग हॉर्स पावर से कंसिडर करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर हम लोग कभी भी वाट से कंसिडर करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट ही वाट होती है। तो ये था बेसिक पावर के बारे में।